अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। सो आपके सामने एक पेज ओपन हुआ होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमेज़न पेमेंट्स डिस्बर्समेंट और रिफंड। अब क्या होता है ये, कैसे होता है, अमेज़न के थ्रू हम रिफंड कैसे ले सकते हैं, डिस्पर्स कैसे करा सकते हैं अपनी पेमेंट्स जो हमारे डीएक्टिवेटेड अकाउंट में फंस गई है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कैसे कैसे होना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे उस समय टॉप पे देख रहे हो आप टाइटल अमेजोन पेमेंट्स डिस्पर्समेंट और रिफंड, यानी कि आपकी जो पेमेंट अटकी हुई है अमेजोन डीएक्टिवेटेड अकाउंट के अंदर वो आपने कैसे निकलवानी है। सबसे पहले आपने जाना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले जाके आपने इनको अपील की, इनकी वेबसाइट है सॉरी जी मेल है, वहाँ पर जाके अपील नॉर्मल से लिख लेनी है कि भाई 90 डेज़ मेरे कंप्लीट हो गए हैं और जो है मेरी पेमेंट डिस्पर्स कर दो, रिफंड कर दो, कुछ भी उनको लिख देना है ठीक है। उसके बाद वो आपको वेरीफिकेशन का टाइम देंगे ठीक है, कॉल आएगी आपको वीडियो, तो उसके लिए जितना भी टाइम सेट करना हुआ वो आपको मेल भेज देंगे, उस पर जाके आपने लिंक को ओपन करना है मेल के ऊपर और वहाँ से जाके अपने टाइम सेलेक्ट कर लेना भाई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको कॉल आ जाए ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉल आएगी तो वो आपसे क्या क्या रिक्वायर करेगा, सबसे पहले वो आपसे आपका नेम पूछेगा, आईडी कार्ड आप उसको दिखाओगे, उसके बाद वेयर हाउस का एड्रेस, यानी कि अगर प्रॉपर FBM अमेजोन के थ्रू कर रहे हो तो वेयर हाउस का क्या एड्रेस है, या जो है जहाँ से आप 3PL वाला जो आपका है वहाँ से पैकिंग चेंज करवा रहे हो तो उसका क्या एड्रेस वगैरह है, तो वो आप उनको बताओगे। बैंक की स्टेटमेंट अपने दोगे जो है सेल और परचेज की, कहाँ से लिया किधर से दिया, उसके बाद एड्रेस वो आपसे वेरीफाई करेगा आपका एड्रेस, फिर आपका बिजनेस मॉडल पूछेगा आप कर क्या रहे थे, आपने क्या ड्रॉप शिपिंग या जो भी आप कर रहे थे, उसके बाद आपसे कहेगा इनकी रिसिप्ट दे दो ठीक है, वो आप रिसिप्ट दिखाओगे, फिर आपको साथ इन्वॉइसेस दिखानी पड़ेंगी अगर आप होलसेल वगैरह में ले रहे हो कहीं से, तो या आप किसी भी रिटेल यूनिट से जैसे वॉलमार्ट से ले रहे हो तो वो आपको दिखानी पड़ेगी उसकी इन्वॉइसेस या रिसिप्ट। वैसे तो जो रिटेल यूनिट्स होते हैं वो आपको रिसिप्ट देते हैं, इन्वॉइसेस नहीं देते, तो आपको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी, इन्वॉइसेस है तो वो दिखा दो। उसके बाद पूछेगा पहला ऑर्डर किधर से लिया, लास्ट ऑर्डर किधर से लिया, और भी काफ़ी सारे सवाल जवाब हैं वो बीच में कहीं ना कहीं से पूछ लेते हैं कि यार ये कैसे किया आपने, ये कैसे किया, उसकी पैकिंग कैसे चेंज करवाई, क्या करवाया, और से पूछता जाएगा, आपने उसको वीडियो कॉल पर बताते रहना ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कौन सी प्रोडक्ट थी, कौन सी कैटेगरी या किस टाइप की आप प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहे थे उसके ऊपर ठीक है, यानी कि मैंने बताया वे रेस्ट्रिक्टेड और हस्बैंड आइटम नहीं सेल कर सकते आप, या ब्रांड के आइटम नहीं सेल कर सकते, या अगर उसको कहीं से भी शक होना वो आपसे पूछ लें कि भाई ये गेटेड तो नहीं थी तो आप इसको कैसे सेल कर सकते हो, तो वो ये वो, तो आपने अपनी कैटेगरी टाइप वगैरह बतानी है इस टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहा था ठीक है। ये सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद वो ये सारा कुछ आपसे वेरीफाई कर लेगा एक दफ़ा ठीक है। उसके बाद आपको एक मेल देगा, उसके ऊपर आपने जाके वो कहेगा कि भाई इस मेल के ऊपर एक जीमेल आई है, उस जीमेल पे आपने जो है जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस जीमेल पे जाना है, आपने जाके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि 4 से 5 दिन में आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको रिफंड मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ठीक है। वो आपको डेट भी बता देंगे किस दिन आपको रिफंड मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो पूछता है, और अगर आप सिंसियरिटी के साथ आप जो है बिल्कुल क्लियर कट होकर इनका जवाब देते हो तो वो आपको जो है दे देंगे फंड्स ठीक है। मगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, ये ना वो एक्सपायर है या कोई चीज़ पुरानी है, या ऐसी वैसी कोई चीज़ ना दिखा देना, या उनसे बातचीत में कोई ऐसी ऊपर नीचे बात ना कर देना जिसकी वजह से वो आपकी जो है डिस्बर्समेंट को कैंसिल कर दे। अब जब आपसे 4-5 दिन का टाइम मांगेगा कि यार आपकी जो चीज़ें हैं सारी ये आपकी वेरीफाइड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो आपकी कैंसिल कर देगा वो ठीक है, आपको फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। आप 2-4 दफ़े इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपने बाकी अपने फंड्स निकलवाने हैं ठीक है। और अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है वो आपको डेट बता देगा भाई इस डेट को आपको आपके जो है पैसे मिल जाएंगे, या आपका जो है सारा पैसा आपको आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगी आपकी पेमेंट। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसको इश्यूज आ रहे थे, जिसका जो है फंड्स फंसे हुए थे अपने अकाउंट के अंदर, तो वो ऐसे निकलवा सकता है, मगर डॉक्यूमेंट्स उसके लीगल होने चाहिए, एडिटेबल ना हो ठीक है। अगर एडिट, हाँ ये भी हो सकता है आपसे बिल वगैरह भी मांग ले, या बैंक के ऊपर एड्रेस के साथ स्टेटमेंट मांग ले, कुछ भी हो तो आपने उसको प्रोवाइड करना है, चाहे वो एडिटेबल है या कुछ भी है आपने उसको ज़रूर प्रोवाइड करना है, तो आपके जो है फंड्स निकल आएंगे इजीली। मगर ये सुनने में इतना आसान है, करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट समटाइम हो जाता है, अगर वो वीडियो कॉल पे मांग रहा होगा चीज़ और आपके वो अवेलेबल ना हो तो इस बेस पे भी वो बैड इम्पैक्ट डालता है, तो उसकी वजह से वो आपको जो है फंड्स ट्रांसफ़र के लिए मेल वगैरह नहीं सेंड करता, वो कहता है जी ठीक है, वैसे तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको मेल दे देते हैं, वो मेल देने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कई दफ़ा वो कैंसिल कर देते हैं ठीक है, मोस्टली कैंसिल कर देते हैं, बल्कि अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं है, तो वो आपकी कैंसिलेशन करते ही हैं। आप 2-4 दफ़ा उनको ट्राई
करो, देखो नेक्स्ट टाइम में क्या मांगते हैं, इस टाइम में क्या मांगते हैं, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन है तो आपको हर चीज़ वीडियो वेरिफिकेशन पे चेक कर लेते हैं। तो ये है फंड रिफंड की, सॉरी रिफंड्स की जो है छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर करा दें उसके बाद जो है मैं और भी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊंगा, काफ़ी सारी ट्रिक शेयर करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।